ना आज का चैलेंज है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये बात. बेसिकली मैं जा रही हूँ अपनी लिटिल सिस्टर को लेके कुछ फन एंड एक्साइटिंग कराने. एंड शी लिव्स इन पुणे, तो शी इज़ माई कज़िन. वो मेरे मामा की बेटी है, वो पुणे रहती है एंड वो काम आती है दिल्ली. तो मैं चाहती हूँ कि जब भी हम मिले बस ऐसे बैठ के बातें वाली नहीं हो, कुछ लाइक फन एक्साइटिंग हो. जो चीज़ें वो मे बी वहाँ नहीं कर पाती पुणे, वहाँ यू नो यहाँ जब वो डेली वापस आए तो मतलब मैं ले जाके करवाऊँ. बिकॉज मतलब उसका अपना एक सर्कल है छोटा सा, बट ये लोग फ्रॉम व्हाट आई नो डोंट गो आउट अ लॉट. तो मेरा बड़ा मन करता है कि जब वो आए तो उसको बाहर लेके जाऊँ और उसको अलग अलग चीज़ें करवाऊँ. सो चैलेंज ये है कि शी आई डोंट नो व्हाट शी एग्जैक्टली लाइक्स, एंड आई थिंक उसको भी नहीं पता व्हाट शी लाइक्स. शी लव्स टॉकिंग अबाउट बुक्स, शी लव्स टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री. अब उसने कोर्स किया है इसका तो शी इज़ अ प्रोफेसर. बट आई वॉन्ट हर टू एक्सपीरियंस थिंग्स दैट अ 20-year-old शुड, लाइक बोलिंग एंड वीडियो गेम्स. तो आज मैं उसको एक वीडियो गेम पार्लर ले जाने वाली हूँ एंड आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट टू इट, क्योंकि जनरली गर्ल्स को नहीं मजा आता वीडियो गेम्स खेलने में. बट शी इज नॉट रियली अ गर्ली गर्ल, एंड ऑल्दो आई एम अ गर्ली गर्ल, आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स. तो मैं देख रही हूँ मे बी दिस इज अ साइड ऑफ मी दैट शी इंजॉयज अ लॉट, बिकॉज आई नो शी डजेंट इंजॉय माई गर्ली गर्ल वाली साइड. अगर मैं लाइक उसको मेकअप एंड ड्रेसिंग एंड शॉपिंग कराने ले जाऊंगी, उसको मैंने शॉपिंग ही बोला हुआ है तो वो एग्री हो गया, बट वो जिसके फेस से लग रहा था दैट शी वॉज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट. तो आई एम गोना गो टेक अ वीडियो गेमिंग एंड लेट्स सी इफ शी इंजॉयज दैट. मॉनसून आ गया है, बारिशों का सीजन हो रहा है, तब देखो स्काई कितना सुंदर लग रहा है. आजकल ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज्यादा, बट ऐसे देखो तो लगता है वाह क्या मौसम हो रहा है. आई कॉन्ट रीच और ये बड़ा सा टैंक उस गली में खड़ा है जिस गली के अंदर मुझे जाना है, तो होपफुली शी कैन जस्ट वॉक टिल मी. फर्स्ट ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ द डे, अभी तक तो मैंने पूछा भी नहीं था आंटी को कि उसको लाइक को करेगी भी या नहीं वीडियो गेम्स एंड ऑल. मतलब तो कर लेगी, पता है छोटी बड़ी बहन होने का फायदा ये होता है कि आप छोटी बहनों से कुछ भी करा सकते हो. एटलीस्ट मैं तो कराती हूँ. डू यू हैव अ सिस्टर, बड़ी है या छोटी है, कमेंट डाउन बिलो. कजिन भी हो तो भी, एंड लाइक किसकी ज़्यादा चलती है, छोटी की ज़्यादा चलती है या बड़ी की ज़्यादा चलती है? मेरी सारी सिस्टर रिलेशनशिप्स में आई थिंक मेरी ज़्यादा चलती है बिकॉज लाइक बड़ी हूँ. बहुत ज्यादा मजा आया एंड आई ऑल्सो फेल्ट नाइस, क्योंकि ऐसी ठीक है बैठ के बातें तो हमने की इवेंचुअली जाके बाद में आप देखोगे, बट या डूइंग समथिंग लाइक दिस, डूइंग अ फन एक्टिविटी लाइक मेक्स अ डिफरेंस ऑफ कोर्स. एंड मुझे कोई मिल गया फाइनली ये गेम्स मेरे साथ खेलने के लिए, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ दिस. एंड बट आर्य भी छोटा है, बहुत कुछ नहीं खेल पाता है. ईशान भी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, एंड मेरे पास और कोई लोग है नहीं ऐसे वाले गेम्स खेलने के लिए. सो अगर आप सिस्टर डे बनाने जा रहे हो तो कंसिडर मे बी प्लेइंग वीडियो गेम्स. वी वर इन सिलेक्ट सिटी वॉक इन साकेत डेली, एंड हम लोग ऐसे ही रैंडम कपड़े वपड़े ट्राई कर रहे थे, ये तो काफ़ी शेपलेस था. देन वी वेंट टू H&M, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला हमें. लाइक काफ़ी बोरिंग स्टफ है सब जगह आजकल आया हुआ है, ढंग का कुछ है नहीं. देन आई वॉज लुकिंग फॉर सम मेकअप. अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा था आपको पता है कि मैं मेकअप ढूंढ रही थी. अच्छा फाइनली फाउंड अ गुड फाउंडेशन टू गेट रेडी फॉर गुड मेकअप इन अ फ्यू डेज, तो सब्सक्राइब कर लो वो देखने के लिए. उसके बाद हम गए थे सात्विक, वहाँ पे तारनी ने पी थी लस्सी, मैंने पी थी वर्जिन मोहीटो. हमने खाए थे बीटरूट कबाब जो बहुत ज़्यादा यम थे. एंड लंच में हमने खाया था नान, रोटी, मलाई कोफ्ता और हांडी, कहते हैं वेज हांडी. हाँ वेज हांडी. बहुत सारी बातों के बाद तारनी को घर ड्रॉप के मैं वापस घर आई थी, क्योंकि हम बच्चों को लेके मुझे जाना था एक बर्थडे पार्टी में. सो दोनों बेबीज को तैयार किया, खुद तैयार तो होना था नहीं क्योंकि मेरा फाउंडेशन लगा ही हुआ था. एक पिंपल आ गया नया मेरा, तो सैड फॉर दैट. पिंपल नहीं है बट आई थिंक कोई मॉस्किटो बाइट हो गई है मुझे. सो एनी वेज नमें और बच्चे अब जा रहे थे नोएडा सेक्टर 61, जो थोड़ा सा दूर है. तो हाँ आज वाले दिन काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग मेरी इधर से उधर हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही थी. रास्ते में जाते समय मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत जल्दी पहुँचने वाली हूँ, एंड मेरी मम्मी भी रहती है नोएडा, मम्मी पापा एंड ये मेरे बाबा हैं. ये मेरे चाचा के यहाँ गए हुए थे, वो अभी वापस आए थे, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट रुक के इनसे मिलते हुए फिर आगे चलेंगे. तो बाबा से बच्चों के साथ, बच्चों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची बाबा के साथ, उनके साथ थोड़ी देर बैठ के फिर मैं निकल पड़ी थी वापस बर्थडे पार्टी में जाने के लिए. नाउ नोएडा में ऐसे बड़े सुंदर सुंदर कॉलम्स बने हुए हैं, एंड मेरा तो मन करता है घंटों घंटों बस इनको देखते रहूं. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क किया हुआ है, एंड मुझे तो लगता है इंडिया में हर सिटी में ऐसा होना चाहिए. ऐसा हो जाएगा ना तो बस
चारों तरफ ऐसे चांदो चांद लग जाएंगे। आई डोंट नो हाउ एल्स टू से इट कि ये कितना ज्यादा सुंदर लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, डांस फॉर्म, गॉड गॉडेसेस होते हैं। चलो अब हम पहुंच गए बर्थडे पार्टी पे, थोड़ा सा मैजिक शो देखते हैं। कहां वाला मैंने यार बच्चे बॉक्स और पानी और डालना वाले दिया। हमने पूरा पानी डाल दिया बॉक्स के अंदर। अभी हमने यहाँ पे बच्चे बॉय को विश किया है ना, हम इनको पानी डाल के बच्चे बॉय को विश करने आ रहे हो। पानी डाल दिया यहाँ से ना, अरे बॉय पानी डाल दे। आप बच्चे बताएंगे नहीं। बट अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आपकी स्क्रीन पर दो वीडियोस आए हुए हैं जो YouTube को लगता है आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो देखते हैं YouTube करेक्ट है या नहीं। गो अहेड एंड क्लिक ऑन वन ऑफ दीज वीडियोस एंड देखो कि वो आपके मन का है या नहीं। क्या YouTube आपको अच्छे से जज कर पा रहा है या नहीं। चलो मेरी तरफ से अभी के लिए बाय बाय।